हेलो दोस्तों, नमस्कार। के पी टीचर अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीटीपी बाल विकास शिक्षा शास्त्र का 30 क्वेश्चन का एक सेशन लगाएंगे, जो कि सीटेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जिससे जो भी स्टूडेंट सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिसके आपको अगली वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे फर्स्ट ऑप्शन कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग जांच करते हैं। सेकंड है, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। थर्ड है, विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। फोर्थ है, इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल ज्ञानात्मक क्षेत्र के विकासात्मक में हो। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिए, थोड़ा एडजस्ट करेंगे यहाँ पे स्पष्ट करने के लिए। तो जो कि हमारे चार ऑप्शन दिए गए, इसमें कुछ बात कर रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि शिक्षक से या विकासात्मक क्षेत्र में किस प्रकार की मांग करता है। तो जैसे कि हम यहाँ बात करेंगे कि यहाँ पर विकासात्मक कारकों की ज्ञान के अनुसार अन्वेषण युक्तियों का अनुकूलन करने से शिक्षकों की मांग करता है, और यहाँ पर शिक्षण के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह शिक्षण के विकासात्मक परिपेक्ष में विकासात्मक कारकों के ज्ञान के लिए अनुसार हो। तो आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पर सेकंड, थोड़ा सा टिक कर देंगे यहाँ पे, आंसर इधर करेक्ट होगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहे, हाथी हाथ में चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आगामी वीडियो मिलती रहेंगी। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक, ऑप्शन देखते हैं, उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकता के अनुरूप न पढ़ाया जाए, फर्स्ट है। सेकंड है, उन्हें यह पता ना हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा। थर्ड है, वे सीखने के लिए तैयार ना हो। फोर्थ है, दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के विषय में नहीं पूछेंगे। तो जैसे क्वेश्चन बुलाया जा रहा है कि शिक्षक कब तक नहीं सीख सकते या तब तक नहीं सीख सकते, तो जैसे कि अभी बात करते हैं, जब तक वे सीखने के लिए तैयार ना हो, जब तक शिक्षार्थी आंतरिक प्रेरित ना होंगे, अंदर से सीखने के लिए तैयार ना होंगे, तब तक हम उन्हें सिखा नहीं सकते। तो आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक करते हैं हाथी हाथ में। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? तो क्वेश्चन पूछा गया, सामाजिक सिद्धांत किस पर बल देता है? तो फर्स्ट अपना प्रकृति, सेकंड है पोषण, थर्ड है अनुकूलन, फोर्थ है पाठ संशोधन। तो जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं तो पोषण पर देगा, वैसे टिक लगा हुआ है यहाँ पे, फिर भी बता देते हैं यहाँ पे पोषण पर देगा, क्योंकि सामाजिक अधिगम से जैसे जिस प्रकार का बच्चा इन्वायरमेंट रहेगी, खान पीन खाएगा और से चीज़ें मिलेंगी, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका अधिगम लर्निंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो आंसर द करेक्ट हुआ हमारा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं हाथी हाथ में। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? फर्स्ट ऑप्शन है उद्दीपन व प्रतिक्रिया, सेकंड है लिंगीय व प्रसूति स्तर, थर्ड है उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, फोर्थ है क्रिया प्रसूत सक्रिय अनुबंधन। तो यहाँ मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में बात हो रही है, तो किस पर बल देता है? वो उद्यम के मुकाबले में हीनता पर बल अधिक देता है। तो आंसर ही करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पर थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो यहाँ पे सांस्कृतिक ज्ञान के रूप में प्रासंगिक की आवश्यकता होती है, तो बच्चों के लिए वो किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, सेकेंड है वी एफ स्किनर, थर्ड है यूरी वेन वैनफेयर, फोर्थ है लेव वाइगोस्की। देखो यहाँ पे सांस्कृतिकी से बात हो रही है, और देखा जाए तो कि यहाँ पे एक सामाजिक थोड़ा सा इनक्लूड होके आ रहा है। तो जैसे कि हमें बात करेंगे तो लेव वाइगोस्की का विचार था कि बालक जिस आयु में किसी संज्ञानात्मक कौशल को देखते हैं सीखते हैं, उन पर उस बात का प्रभाव पड़ता है और संस्कृति से उन्हें संगत सूचना और निर्देश प्राप्त हो रहे होते हैं। तो आंसर इधर करेक्ट होगा हमारा फोर्थ। वाइगोस्की ही जी बात करते हैं सांस्कृतिक और समाज के बारे में, तो आंसर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा सेट करेंगे यहां पे।
आप एक शिक्षक शिक्षिका के रूप में रैगिंग और धमकाने की सशक्त विरोधी हैं और इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं और समिति बनवाते हैं आप से जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे। जैसे कि क्वेश्चन बोला जा रहा है कि आप एक शिक्षक शिक्षिका हैं के रूप में रैगिंग और धमकाने वाली सशक्त विरोधी हैं, सख्त विरोधी हैं इस प्रकार की चीज़ों से, और इस पर आप विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं और एक समिति बनवाते हैं, तो आप उससे जुड़ने के लिए तो किशोरों को किस प्रकार से विचार दृढ़ विश्वास करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है पारंपरिक, सेकेंड है पूर्व पारंपरिक, थर्ड है उत्तर पारंपरिक, फोर्थ है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया गया है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि लॉरेंस कॉलवर्क के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अंतिम स्तर उत्तर पारंपरिक स्तर पर बल या बालक के नैतिक आचरण पर पूर्ण आंतरिक नियंत्रण में होता है। अतः देखा जाए तो जुड़ने वाले जो किशोर होंगे वो उत्तर पारंपरिक स्तर पर होंगे, क्योंकि पिछली बातों के बारे में बात की जा रही है। तो इसका अकॉर्डिंग आंसर इज द करेक्ट वो हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक सूचना और प्रतिकारक से प्रवर्तक होते हैं, सेकंड है ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, थर्ड है अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है, फोर्थ है परीक्षा मापदंड संदर्भित और बाह्य है। तो यहां में प्रगतिशील शिक्षा के बारे में पूछा जा रहा है तो किससे संबंधित है। तो जैसे कि आप देखा जाए प्रगतिशील शिक्षा की बात करते हैं तो वो शिक्षा अवधारणा के विकास में जॉन डीवी द्वारा बताया गया था या बताया जाता है इसमें कि विशेष योगदान रहा है, और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक की शक्तियों का पूर्ण विकास करने पर आधारित है, और शिक्षा इस तथ्य पर जोर देती है कि ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न हो। तो आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा हमारा यहां पर सेकेंड, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ ही साथ में, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? तो यहां पे बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया है, तो यह क्वेश्चन बोला गया कि एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन सा संबंधित है बुद्धि का सिद्धांत। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं अंतर्वैयक्तिक, सेकेंड वार्षिक, फोर्थ है गतिक, सॉरी थर्ड है गतिक, फोर्थ है अंतर्वैयक्तिक। तो जैसे कि अभी बहुबुद्धि की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन से थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, या फिर हम देखा जाए कॉमन सेंस वाली है तो हम गतिक पे ज्यादा जाएंगे। तो आंसर इज द करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे गतिक, क्यों होगा ये भी देख लेते हैं, क्योंकि गतिक बुद्धि वाले लोग शारीरिक गति पर नियंत्रण रखने की क्षमता और वस्तुओं को सावधानी पूर्वक एवं प्रवीण ढंग से घुमाने उपयोग करने की क्षमता होती है। इस प्रकार की बुद्धि प्राय खिलाड़ी शिल्पकार सैनिक आदि में अधिक पाई जाती है। तो आंसर इज द करेक्ट होगा हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं हाथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। बुद्धि के एक्सपेरिमेंट परिभाषा में कारक जी है, फर्स्ट ऑप्शन है अनुवांशिक बुद्धि, सेकेंड है उत्पादक बुद्धि, थर्ड है सामान्य बुद्धि, फोर्थ है बैसिक बुद्धि। तो यहाँ पे बुद्धि के बारे में पूछा गया है, तो इस पर मैंने जो परिभाषा दी है उसमें जी का कारक क्या है ये क्वेश्चन में पूछा जाए। देखा जाए तो जब बात करते हैं यहाँ पर जी का जो कारक होता है अर्थात सामान्य बुद्धि, इस पर जो बुद्धि में बात करते हैं तो हमारा जो जी का महत्व होता है वो हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा थर्ड, सामान्य बुद्धि। कैसे कि जी का कारक अर्थात सामान्य बुद्धि होगा, एस कारक जो होगा विशिष्ट बुद्धि वाले दिया गया है, तो जो कि मूल रूप से ये स्मरणीय मैंने बुद्धि का सिद्धांत संरचना के रूप में महत्व दिया है। तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं हाथ हाथ में, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालने में किस ओर संकेत करता है कि बालक या शिशु है वो संज्ञानात्मक दक्षता में कार्य कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्वाभिप्राय व्यवहार, सेकेंड है वस्तु स्थायित्व, थर्ड है समस्या समाधान, फोर्थ है प्रयोग करना। तो जब इस प्रकार के बच्चे क्रिया करते हैं या ऐसी चीजें करते हैं तो यहां पर देखा जाए तो कि जीन प्याजे बताते हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की पहली अवस्था
इंद्रिय जनित या गामक अवस्था होती है जो कि 18 से 24 माह के बीच में होती है, जो कि वस्तुओं के प्रति अननोन क्रिया करना प्रारंभ कर देती है, जो सीधे दृष्टिगोचर नहीं होती है और छिपी वस्तुओं को भी ढूंढ निकालता है। इस गुण को वस्तु स्थायित्व कहा जाता है। तो आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा हमारा वस्तु स्थायित्व। सेकंड अगला क्वेश्चन देखेंगे, उठाएंगे थोड़ा सा इसे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? तो यहां पे समाज में लिंग समानता का मानदंड पूछा गया, तो आंसर देखते हैं। ऑप्शन देखिए, पहला विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना। सेकंड है कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता। थर्ड है कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। फोर्थ है क्या छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है? तो यहाँ पे लिंग समानता के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसका मानदंड क्या होगा या क्या हो सकता है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे कि आप बात करते हैं कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़के लड़कियों की संख्या की तुलना करके लिंग समानता को परिपुष्ट किया जा सकता है। कक्षा 12 तक की लड़कियों का पढ़ना उनकी निरंतरता को प्रदर्शित करता है, जो कि लिंग समानता का एक मानदंड हो सकता है। तो आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे थर्ड आंसर थर्ड हो जाएगा हमारे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते रहें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्यक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षक की मदद किस में करता है? फर्स्ट ऑप्शन है पिछड़े छात्रों या शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे वाकई कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। सेकंड है व्यक्तिक अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में। थर्ड है सभी विद्यार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में। फोर्थ है सभी विद्यार्थियों की या शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्यक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद कर सकता है किसमें, तो जैसे कि हम बात करते हैं व्यक्तिगत अंतर एक ऐसी मनोवैज्ञानिक घटना होती है जो सील गुणों पर बल देती है, जिसके आधार पर व्यक्तिक या जीव भिन्न भिन्न होते हैं और इसी अंतर का ज्ञान शिक्षक को शिक्षार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में मदद करेगा। अगर इस प्रकार से शिक्षक को यह पता चल जाएगा कि इसकी व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, तो आराम से टीचर उसी प्रकार की अपनी क्लास में शिक्षण विधियां अपनाकर उन्हें आराम से सिखा सकते हैं। तो आंसर इज करेक्ट हो जाएगा हमारा पे फोर्थ, सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को आकलन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं, हाथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको वीडियो मिलती रहेगी। सीखने के लिए आकलन फर्स्ट ऑप्शन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। सेकंड है अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है। थर्ड है ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है। फोर्थ है विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। तो यहाँ पे सीखने के आकलन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे कि हमें सीखने के आकलन की जब बात करते हैं, सीखने के लिए आकलन या मूल्यांकन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, क्योंकि इस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग शिक्षार्थियों को अनेक कार्यक्रमों के लिए अभिप्रेरित करने के साथ साथ सूचना प्रदान करने और शिक्षा में शिक्षा प्राप्ति में सुधार संबंधी कार्य करने के लिए बाध्य करता है। तो जब यहाँ पे आकलन की बात करते हैं, सीखने के आकलन की बात करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे देखा जाए कि अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, तो क्या करेगा अभिप्रेरणा को बढ़ावा देगा। आंसर इज करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्यालय आधारित आकलन फर्स्ट है परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। सेकंड है क्या अलंकित किया जाएगा इस पर विद्यार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है। थर्ड है रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। फोर्थ है परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है, क्योंकि उसमें निरंतर परीक्षण होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है विद्यालय आधारित आकलन, जैसे कि हम विद्यालय आधारित आकलन की बात करेंगे, तो यह रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। तो आंसर इज़ करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे थर्ड, रचनात्मक आकलन प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है, आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विधिवत
शिल्प कृतियों को संयोजित करें, यह किस प्रकार की गतिविधि है? पेन से थोड़ा टिक किया गया क्योंकि हाईलाइट किया गया, बताया गया कि ये चीजें क्वेश्चन में पूछी जा रही हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं निबंधात्मक आंकलन, सेकंड देखते हैं घटनावृत्ति अवलेख, थर्ड है समस्या समाधान आंकलन, फोर्थ है पोर्टफोलियो आंकलन। तो यहाँ पे जैसे क्लास में एक गतिविधि कराई जा रही है, शिक्षार्थियों से कहा जा रहा है कि समाज, अपने समाज में जहां आप रहते हैं अपने समाज में क्या कर सकते हैं या अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, यह दर्शाने के लिए एक नोटबुक में आप अपनी कार्यविधि या विधिवत शिल्पकृतियों को संयुक्त करें। तो इस प्रकार का गतिविधि क्या है, ये क्वेश्चन पूछा रहा है। जैसे कि यहां पर बात करते हैं, पोर्टफोलियो आंकलन एक अच्छा उदाहरण है, आंसर द करेक्ट हो जाएगा हमारा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा एडजस्ट करते हैं यहां पे। शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय, तो फर्स्ट ऑप्शन है लड़कियों और अलावांतित वर्ग के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है, सेकंड है वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है जो इन विद्यालयों की समुदायों और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है, सेकंड है विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में अलावांतित वर्ग के बच्चों को भागीदारी बनाता है, फोर्थ है दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलावांतित बच्चों को दवाई नहीं और ना उन्हें नीचा दिखाएं। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि शिक्षार्थियों में सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण रखने के माध्यम से विद्यालय, थोड़ा क्वेश्चन अटपटा लग रहा होगा आपको, फिर भी मैं एक बार दोबारा बताएंगे इसमें कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंध विद्यालय का वातावरण रखने में विद्यालय का कारण मतलब क्या कार्य होना चाहिए। जैसे कि अभी बात करते हैं विद्यालय के अकॉर्डिंग कि समावेशी शिक्षा के सतत विद्यालय में सभी प्रकार के विद्यार्थी या अध्ययनरत होते हैं, यही कारण है कि शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंध विद्यालय वातावरण में रखने से दूसरे विद्यालय बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलावांतित बच्चों को दवाई नहीं और ना ही उन्हें नीचा दिखाएं। तो जब समावेशी बच्चा की जब कक्षा की बात करते हैं, समावेशी वातावरण की जब बात करते हैं क्लास के अंदर, तो यहाँ पे दूसरे बच्चे को संवेदनशील बनाना है, ना कि वे अलावांतित जो लाभांवित बच्चे हैं उन्हें दूसरों को दबाना है जो बच्चे थोड़ा सा सही से इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहे, इस प्रकार की हमें क्रिया नहीं करानी है। तो आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकाग्रता समय के साथ मेल बढ़ाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन है अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार, सेकंड है डिसफेजिया, फोर्थ है संवेदी एकीकरण विकार, सॉरी थर्ड है फोर्थ है एकाग्रता हास अतिक्रियाशील विकार। तो यहाँ पे एकाग्रता के बारे में पूछा गया है, तो उसके लिए मेल बिठाने के लिए एक दत्त कार्य पूरा करने के लिए आवंटित समय घटाना, चरणबद्ध तरीके से एकाग्रता समय को बढ़ाना, इस प्रकार की क्रिया करना और इस प्रकार से निपटने के लिए कौन सा सबसे सर्वाधिक उपयुक्त होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे हमें बात करते हैं कि एकाग्रता हास अतिक्रियाशील विकार से निपटने का सबसे अच्छा उपाय और सार्थक उपाय है, तो आंसर इज द करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ ही दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने हेतु बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन देखेंगे सॉरी यहाँ पे मनोगत्यात्मक, सेकंड है पर्यावरणीय, थर्ड है जीव वैज्ञानिक, फोर्थ है व्यवहारवादी। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कौन सा उपागम है अशांतकारी व्यवहार के लिए संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने हेतु उसके आसपास के सामाजिक अंतःक्रिया का सुझाव देता है? तो जैसे बात करें अंतःक्रिया की जब बात की जाती है तो पर्यावरणीय उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उनके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव दिया जाता है। तो आंसर इज़ द करेक्ट हमारे यहाँ पे सेकंड पर्यावरणीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
रैन जूली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए, शिक्षार्थियों के लिए फर्स्ट ऑप्शन है अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है, सेकंड है प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, थर्ड है शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है, फोर्थ है शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं उनके लिए क्या होना चाहिए। तो जैसे कि अभी बात करते हैं, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है, उन्हें सीखने के लिए प्रवृत्ति तीव्र होती है और इनके लिए शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे विद्यार्थियों में बदलाव आता है। तो आंसर इज द करेक्ट होगा इसका अकॉर्डिंग हमारा थर्ड, शिक्षक को उनके अनुकूलन करना चाहिए जैसे ही उन शिक्षार्थियों में बदलाव आता है, थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं हाथ में। अधिगम निरोगता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है, फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिगत केस अध्ययन, सेकंड है घटनावृत्ति अवलेख वास्तविक रिकॉर्ड, थर्ड है व्यवहार रेटिंग स्केल, फोर्थ है संरचित व्यवहार पारक अवलोकन। तो यहाँ पे अधिगम निरोगता की बात की जा रही है, अधिगम निरोगता होती है जो बच्चे सीखने में किन्हीं पक्षों पर संघर्ष करते हैं, तो प्रगति निरीक्षण के लिए कौन सा सबसे अच्छा उपयुक्त होगा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कि अभी बात करते हैं अधिगम निरोगता वाले बच्चों के लिए संचरित व्यवहार परक अवलोकन एक ऐसी उपयुक्ति है जिससे अधिगम निरोगता वाले बच्चों को प्रगति का निरीक्षण करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। तो आंसर इज करेक्ट होगा हमारा यहाँ पर फोर्थ, संरचित व्यवहार परक अवलोकन। उसके बारे में जानना कि किस प्रकार से बच्चा नहीं सीख पा रहा है, उस वो कहाँ पर संघर्ष कर रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे क्लास में, या टीचर क्या करेगा कि उसी प्रकार की शिक्षण विधियों का अपनाएगा या इसी प्रकार से घर कार्य दिया जाएगा। तो आंसर इज करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम निरोगता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के लिए जीने के अवसर को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है, फर्स्ट ऑप्शन है इस तरह की शिक्षार्थियों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना, सेकंड है इस तरह की शिक्षार्थियों से उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना, थर्ड है विधिवत कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जैसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है, फोर्थ है इन बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अधिगम निरोगता शिक्षार्थियों के द्वारा पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसर बढ़ाने का सही तरीका पूछा गया क्वेश्चन में। तो जैसे कि सही तरीके की बात करते हैं तो ऐसे शिक्षार्थी जो सीखने में निरोगता रखते हैं या सीख से ग्रसित होते हैं या सीखने किसी पक्ष में संघर्ष कर रहे होते हैं उनके उत्पादक बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें विधिवत कौशलों और युक्तियों का शिक्षण दिया जाए जिससे कि वे अपना उपयोग सभी महत्वपूर्ण संदर्भों में कर सकें। तो आंसर इज करेक्ट होगा हमारा यहाँ पे थर्ड, विधिवत कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिससे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार फर्स्ट ऑप्शन सांस्कृतिक और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, बच्चे अगले क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते, थर्ड है यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं, फोर्थ स्वनिर्देशित वाक्य सहयोग का निम्न स्तर है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बाइगोस्की के सामाजिक सिद्धांत के अनुसार, तो जो बाइगोस्की जो सामाजिक सिद्धांत होगा उसके अनुसार ऑप्शन कौन सा है। जैसे कि अभी बात करेंगे कि बाइगोस्की ने अपने सामाजिक सिद्धांत में या सांस्कृतिक सिद्धांत में बच्चों की संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक और भाषा की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। तो आंसर इज करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे थर्ड, सॉरी यहाँ पे थर्ड नहीं हो, थोड़ा देखने मिस्टेक हो गई, सांस्कृत और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आंसर इज करेक्ट होगा यहाँ पे फोर्थ, सॉरी फर्स्ट वाला, फिर भी मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा अटपटा रही है जी, फोर्थ वाला नहीं होगा यहाँ पे, फर्स्ट वाला हो जाएगा, क्योंकि बाइगोस्की जो होते सामाजिक सिद्धांत और समाज के बारे में और सांस्कृतिक के बारे में बात करते हैं। तो आंसर इधर करेक्ट हमारा है फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्याख्यान अनुमान और अथवा नियंत्रण परिकल्पना
की लक्ष्य हैं। फर्स्ट ऑफ पारंपरिक तर्कणा, सेकंड है अगमनात्मक तर्कणा, थर्ड है निगमनात्मक तर्कणा, फोर्थ है वैज्ञानिक पद्धति। तो व्याख्यान और अनुमान परिपक्ष के बाद नियंत्रण पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। जैसे कि अभी बात करते हैं व्याख्यान अनुभव और अथवा नियंत्रण प्रकल्पना वैज्ञानिक पद्धति के लक्ष्य हैं। आंसर इधर करेक्ट होगा हमारा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा सेवंथ की का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे, सेकंड है शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति देंगे, थर्ड है शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पनात्मक पद्धति का प्रयोग करें अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करें, फोर्थ है शिक्षार्थियों को दिखाएंगे कि त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थी को उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे। तो जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यहाँ पे सेवंथ क्लास का शिक्षार्थी है, छात्र है, तो गणित में त्रुटि कर रहा है, तो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो एक विकल्पनात्मक पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा गणित में त्रुटि को आसानी से कम किया जा सकता है और शिक्षक के रूप में इस पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। तो आंसर इधर करेक्ट होना चाहिए हमारा यहाँ पे थर्ड, शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पनात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे। तो बच्चा क्या उसमें खुद करेगा, सेल्फ करेगा या स्वयं करेगा तो उसे पता चल जाएगा और उसमें बच्चा क्या सक्रिय भी हो रहा है, तो सारी चीज अपनी आप जांचेगा। तो आंसर इधर करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे थर्ड वाला, तो बच्चा अच्छी तरह से सीख पाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते रहें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो मिलती रहेंगी आपको। संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है, फर्स्ट ऑप्शन है अंतरवैयक्तिक, सेकंड है प्राकृतिक बुद्धि, थर्ड है चाचुस स्थानिक बुद्धि, फोर्थ है अस्त परक बुद्धि। तो यहाँ पे संवेगात्मक बुद्धि के बारे में और बहुबुद्धि के सिद्धांत की किस क्षेत्र के साथ संबंध है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे हम बात करते हैं संवेगात्मक बुद्धि में विभिन्न संवेगों की उत्पत्ति होती है, उनका विकास और इन संवेगों के आधार पर संवेगात्मक व्यवहार का विकास शामिल होता है, इसको बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्व्यक्ति से संबंधित किया जा सकता है। तो आंसर इधर करेक्ट होगा हमारा यहाँ पे फर्स्ट अंतर्व्यक्तिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संवेग के मनोसामाजिक सॉरी संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है संवेग विषयनिष्ठ या व्यक्तिपरक भावना है और वह अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग होती है, सेकंड है संवेग न केवल व्यक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं, थर्ड है संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के घटक जटिल पैटर्न होते हैं, फोर्थ है संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया भी शामिल होती है। तो यहाँ पे संवेग के बारे में पूछा गया है और मनोवैज्ञानिक से किससे संबंधित है, दूसरा कम पूछा गया, तो यहाँ पे नेगेटिव आंसर देना है। सीटेट में इस प्रकार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और हमें आंसर पॉजिटिव देते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है और हम इसे इंक्लूड कर लेते हैं नंबर, इसी ऐसे ही क्वेश्चन पे हमारे कम होते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें विशेषकर ध्यान देना होगा। तो हमें कम पूछा गया तो कम वाला आंसर छांटना है, नेगेटिव में छांटना आंसर है यहाँ पे। तो जैसे कि अभी बात करें संवेग न केवल व्यक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होता है, तथ्य और संवेग के मनोविज्ञान में सबसे कम ध्यान दिया जाता है। तो आंसर इधर करेक्ट होगा हमारा यहाँ पे सेकेंड, संवेग न केवल व्यक्तिक शिक्षार्थियों बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं, सेकेंड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा एडजस्ट करेंगे यहाँ पे, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है, उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है के रूप में जाना जाता है, फर्स्ट ऑप्शन है प्रेरक, सेकंड है व्यक्तिक विशेषक, थर्ड है संवेग, फोर्थ है प्रत्यक्ष। तो जैसे कि यहाँ पे एक स्टूडेंट है अपनी समस्या को गणित की समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा है पूरी तरह से और उसे संघर्ष भी कर रहा है, थोड़ा सा उल्टा सीधा हो गया कोई बात नहीं, और आंतरिक बल है जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश कर रहा है, मतलब प्रेरित कर रहा है, तो वह किसके रूप में जाना जाता है, उसका जो प्रेरक है। तो जैसे कि आप ये बात करते हैं वो हमारा हो जाएगा फर्स्ट, अनुप्रेरणा एक ऐसा बल है जो शिक्षार्थी के अंदर से पैदा होता है, न कि कोई ऐसी चीज है जो उसे शिक्षक अपनी ओर से उसे पैदा कर सकता है, राजेश वह आंतरिक प्रेरणा से
कहलाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है, जो स्टूडेंट है वो क्या है, आंतरिक प्रेरक है और प्रेरक के रूप में है। तो आंसर करेक्ट हो गया हमारा फर्स्ट वाला, प्रेरक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ में, लगता है इसके ऑप्शन नीचे दिए गए। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, अवप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, या अवप्रेरणा के बारे में पूछा गया है तो कौन सा चक्र सही है। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तेजना प्रबल, प्रेरणा आवश्यकता, उपलब्धि लक्ष्य मुखी, व्यवहार उत्तेजना में कमी। नीचे देखेंगे, प्रबल, प्रेरणा आवश्यकता, उत्तेजना लक्ष्य मुखी, व्यवहार उपलब्धि उत्तेजना में कमी। थर्ड है आवश्यकता लक्ष्य उन्मुखी, व्यवहार प्रबल, प्रेरणा उत्तेजना उपलब्धि उत्तेजना में कमी। फोर्थ है आवश्यकता प्रबल, प्रेरणा उत्तेजना लक्ष्य मुखी, व्यवहार उपलब्ध उत्तेजना में कमी। तो इस प्रकार से यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में, तो हमारा यहाँ पे क्या है सही क्रम पूछा गया देखा जाए तो क्वेश्चन में, तो जैसे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो कि पहले क्या है बच्चे की आवश्यकता होती है प्रेरणा, देखा जाए कि पहले बच्चे के अंदर आवश्यकता होनी चाहिए तभी बच्चा आंतरिक प्रेरित होगा, फिर उसमें प्रबल प्रेरणा आएगी क्योंकि आवश्यकता होगी तो बच्चा क्या उसके पास सोचेगा कैसे प्राप्त किया जाए, तो आंतरिक प्रेरणा उत्पन्न होगी। जब आंतरिक प्रेरणा उत्पन्न होगी तो उसमें उत्तेजना भी आएगी, क्योंकि उत्तेजना आएगी मुझे कार्य करना है कैसे भी करना है। फिर यहाँ पे बात की लक्ष्य उन्मुखी, मतलब लक्ष्य प्राप्त करने का व्यवहार, उसमें कंडीशन अप्लाई करेगा कि मुझे ये कार्य करना चाहिए इस प्रकार से, मतलब एक एटमोस्फियर क्रिएट करेगा, वातावरण का माहौल बनाएगा कि मुझे इस प्रकार से ये चीजें प्राप्त करनी है। तो व्यवहार मतलब लक्ष्य उन्मुक्ति, व्यवहार उपलब्धि आएगी, फिर क्या उत्तेजना में कमी आएगी। क्यों आएगी उत्तेजना कमी, क्योंकि उसे वो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा तो वो शांत हो जाएगा और अपना वहीं पे शांति से हो जाएगा, क्योंकि वो सारी चीजें उसे मिल चुकी हैं जो उसे चाहिए। जब दूसरा उसके लिए आएगा तो उस प्रकार से दूसरा व्यवहार करेगा। तो आंसर इज करेक्ट हमारा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा जो हमारा, बेंडुरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। फर्स्ट हमने स्वचिंतन, सेकंड है प्रतिधारणा, थर्ड है पुनरावृत्ति, फोर्थ है सार को दोहराना। तो जैसे कि अभी बंडूरा के बारे में पूछा गया है, ये मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक अवलोकन पर आधारित कौन सा प्रतिक्रिया है या प्रक्रिया है। तो जैसे कि अभी बात करते हैं तो यहां पर आंसर क्या होना चाहिए हमारा, बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रतिधारणा की प्रक्रिया को स्वीकार करता है। तो आंसर इज करेक्ट होगा हमारा पे सेकंड। दोस्तों सेशन हमारा यही समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को चैनल को शेयर करते रहें। और हम जो भी वीडियो डालते हैं, जैसे हमने मैथ की वीडियो डाल रखी है, हिंदी की भी डाली है, इन्वायरमेंट की भी डाली हुई है, अब हमारी जो साइकोलॉजी CTP की चल रही है, जो कि हमारी 5 बजे से हम वीडियो डालना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम आती है तो 6 बजे तक आ पाती है, तो 5 से 6 बजे के बीच में हमारी सारी वीडियो आपको उपलब्ध होती रहेंगी। चैनल पर एक बार विजिट करें, क्वेश्चनों को देखें, अगर कोई भी क्वेश्चन फिर भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, जिससे हम आपके नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं, जैन दोस्तों, वंदे मातरम।